इसको प्रकाश दूंगा, ऐसा नहीं करता। गुरु भी भगवान सूर्य के भांति, भगवान चंद्र के भांति, गंगा के भांति होते हैं, उनके पास जो जाता है उसका उद्धार करते ही है। तो आज के दिन देवताओं के गुरु बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में गुरुवार के साथ अपने पास बैठे हुए हैं। तो इस अभिषेक मंत्र को यह कहते हुए वर्ण कलश में से इस गर्भवन दुर्गा से लेकर शिष्य के ऊपर इसका विसर्जन किया जाता है, ये कहते हुए कि आप अभिषिक्त करते हुए मेरे मन को, मेरे बुद्धि को और मेरे तन को शुद्ध करो, और मैं जीवन में जो साधनाएं करना चाहता हूँ और जो आपके प्रति मेरी श्रद्धा है उस श्रद्धा को रखकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, उसमें किसी प्रकार की अड़चन ना आए। ये रोजु गुरुवार पुष्णी नक्षत्र एवरते ये रोजु बृहस्पति ఈ సంవత్సరము ఐదు గ్రహాల కూటమితో చాండాల యోగంలో ఉన్నందుకు మనం పడుతున్న బాధలు మీకు తెలుసు. కరోనా యొక్క ప్రభావం వల్ల ఇక్కడికి తిరగలేక ఇంట్లోనే ఉండి ఆర్థిక బాధలతో కానీ ఉంది, ఇతర శారీరక బాధలతో కానీ భయం మెయిన్గా ఏమిటంటే భయంతో బతికాం, బయట పోతే ఏమవుతుందో అన్న రకంగా ఈ షట్ త్రిగుణాల్లో కానివ్వండి ఆరు యొక్క భయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఉండకూడదు. ఒకటి మృత్యుభయం, రెండవది శత్రుభయం, మూడవది రోగభయం, నాలుగవది ఈ ప్రపంచంలోని అందరికంటే భయం రుణం యొక్క భయం, అప్పుడు వారు తర్వాత దేవతా భయం, తర్వాత రాక్షస భయం. ఇవన్నీ ఏ రకంగా ఉంటాయంటే మనం చేసిన కర్మలకు మాత్రమే మనకు మనలో ఆయుర్వేదించి మన చేసిన కర్మ ఫలం ఇవ్వకపోతే మనం అసహాయులమై నిశేషులమై తిరిగే భయం, నేను ఇంత చేసినా నాకేం అవ్వడం లేదు అన్న భయం. ఈ భయాలను తొలగించడానికి ఈ భయం ఉన్నంతసేపు శిష్యుడు గురువుకు సమీపం పొందలేడు, గురువు దగ్గరికి రాలేడు. కనుక ఈ భయాలను తొలగించేందుకే శిష్యుడిని శిష్యుడైనా అప్నే శిరసేకి సాత్ గురువుక సామీప్య करने के लिए गुरु के पास आने की क्रिया को शिष्य कहा जाता है। जो गुरु जी कहा करते थे अपने गुरु के हृदय तक जो जाना चाहता है और जब जाता है और अपना सिर गुरु के चरणों में झुका देता है उसे शिष्य कहा गया है। उसके उस भाग्य की उसकी श्रेष्ठता उस दिन है जिस दिन वो सिर अपने गुरु के चरणों में झुका देता है और उसी गुरु मानता है। लेकिन उसके सिर झुकाने पर भी अगर गुरु उसे शिष्य नहीं मानता तो ये क्या किया है, उसकी गलतियों के कारण ऐसा हुआ या किसके कारण ऐसा हुआ? तो एक बार हुआ ये कि कृष्ण के साथ अर्जुन भी बैठे हुए थे और कर्ण भी बैठे हुए थे, कर्ण भी थे। तो अर्जुन ने कृष्ण के साथ कहा कि संसार में दान के नाम पर कर्ण का नाम बहुत लिया जाता है, मैं कर्ण से सभी चीजों में जीत गया हूँ, बाण विद्या हो और कोई भी हो सब में मैं जीता हूँ, अब मैं कर्ण से एक पीछे एक ही इसमें पीछे हूं कि मैं कर्ण का नाम दान के नाम दान के रूप में बहुत बढ़िया से लिया जाता है, कृष्ण मैं भी दान करके कर्ण से भी बड़ा बनना चाहता हूं। कृष्ण हंसे और कहा कि कर्ण ने जो उनके पिता से वागदान किया है, उनके पिता को वचन दिया है या उनके गुरु को वचन दिया है, वो वचन को निभाते हुए चल रहे हैं। और हे कर्ण तुम, हे कृष्ण, हे अर्जुन, तुम केवल इसके लिए कि कर्ण को हराने के लिए तुम ये पूछ रहे हो कि मुझे, मैं कर्ण से बढ़कर दान करना चाहता हूँ, कर्ण का कर्ण से नाम कर मेरा नाम बड़ा हो। तो अर्जुन का कहना इसमें गलती क्या है, मैं तो तुम्हारा नाम ही बड़ा हूँ, मैं कृष्ण का शिष्य हूँ और मैं भी कर्ण से श्रेष्ठ हूँ। कितना समझाने पर भी वो नहीं समझ रहा था। तो कृष्ण ने कहा कि मैं एक बात करता हूँ, एक बहुत बड़ा सोने का पहाड़ कृष्ण ने तैयार किया और कहा कि अर्जुन तुम इस सोने के पहाड़ को सभी में बांट दो। अर्जुन गया और बस सभी लोगों को, आओ मैं सोने को बांट रहा हूं, सभी को बुला लेगा, बस सोना खोदना सभी को देते जाना आएंगे। अब देते 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 अर्जुन आखिर में एक दिन हो गया, दो दिन हो गया, तीसरे दिन थक गया, बोला प्रभु अब तो बहुत दान कर दिया सभी लोगों को, सब लोग मेरे से प्रसन्न है, दान लेकर मैं दान करके आया, लेकिन और भी सोना बचा हुआ उसका क्या करना चाहिए? कृष्ण को आके पूछ रहे थे। कृष्ण के दान तो छूट गया है, अब मैं ऐसा करता हूँ
कर्ण को दान करने के लिए कहता हूं। तो कर्ण को कृष्ण ने बुलाया और कहा कि वहां सोने का पहाड़ है, तो उसका उसका दान करो, सभी को दान दो। कृष्ण को नमस्कार करके कर्ण गया और कहा कि गांव वालों यहां सोने का पहाड़ है, अब जितना चाहिए उतना ले लो। कर्ण चला गया वहां से। इस प्रकार अपने शिष्यता को प्राप्त करने के लिए अर्जुन को बहुत बुरा लगा कि मैं कर्ण के इस बारे में कर्ण से जीता नहीं। तब कृष्ण ने कहा कि अपने गुरु से जब तक अभिषिक्त नहीं होता तब तक किसी बारे में किसी को जीत नहीं सकते। वैसे कर्ण अभिषिक्त है, कर्ण का दान के रूप में अपने गुरु को दिया हुआ वचन सिद्ध रहने के कारण कर्ण आज दान के रूप में दान कर्ण का नाम लिया जाता है। ऐसा दान अर्जुन का नाम नहीं लिया सकता, अपने गुरु को दिया हुआ वचन को निभा रहा है। और इस वचन को निभाने के लिए क्या करना होता है, वो अभिषिक्त होना पड़ता है, उसको अभिषेक करना होता है। और वो एक क्रिया है, इस क्रिया को जब तक हम नहीं करते हम श्रेष्ठ शिष्य नहीं कहलाते, गुरु गुरु के समीप नहीं जा सकते। हमारे में अहम भाव है, हम मैं कर रहा हूँ। अब समझो हमारे जिसका के कल्याण है, मैं गुरु जी को लोहे के बर्तन दिया हूँ, वहाँ गए यानी गुरु जी की मुश्किल बात में पंपी चला रही हूँ, ऐसा बोलते चले गया वहाँ से ये सोचा रहा हूँ। अब गुरु को पंपी चलना उर्गे ने पंपी चलना वहाँ गए सकते, अंटे ఆ భావన ఎప్పటివరకు అయితే రాదో అప్పుడు శ్రేష్ఠత ఉంది। భావన వచ్చిన తర్వాత నేను ఇచ్చిన అనేసి నీకు ఎవరు ఇచ్చిందో అనేది మన ఆలోచన। तो जब तक हम दान करते समय इस बात को जाने के लिए कि मेरा तन मन धन सब सब गुरु का है, यह जब तक हमारे में भावना नहीं आती तब तक हम श्रेष्ठ नहीं करें। और इस भावना को लाने के लिए ही गुरु क्या करता है, उसको अभिषिक्त करता है, कहता है कि तू तन मन धन से तो मेरा हो जा, मेरे समीप आ जा, तेरे से अहंकार को जो तेरे सर में रखा हुआ है उसको चरणों में झुका दे, मैं तुझे उस सर्वस को मैं प्रदान करता हूँ जो मैं देना चाहता हूँ। मुझमें ज्ञान है या मुझे मेरे में कर्म है, मैंने किए कर्म साधनाएं हैं, मेरे ज्ञान को मेरे कर्म को और उसके फल को मैं तुम्हें तुझे देता हूँ। इसमें कैसा है, धन फल है, धन शरीर है वो कर्म है, और बुद्धि ज्ञान है वो ज्ञान है। तो गुरु इन तीनों से भी तन मन धन से भी तुम्हें जो फल के रूप में जो देता है वो अपना किया हुआ अपने कर्म से प्राप्त किया हुआ फल देने को धन कर धन देने के समान, और अपने किए हुए कर्मों का कर्म तुम्हें देता है तो वो तुम्हारा तन है, और तुम्हारे मन को जो ज्ञान देता है तो तुम्हारे मन की दीक्षा है। इस प्रकार इन तीनों को भी आपको प्रदान करने की क्रिया आज शिक्षा विषय दीक्षा से वो तुम्हें प्रदान करता है। और जो इस दीक्षा को अपने पास लेकर श्रेष्ठता प्राप्त करता है वो शिष्य शिष्य कहलाता है। इस हर वर्ष इस शिष्याभिषेक दीक्षा को जिस प्रकार गुरु अपने को आपको सामीप करने के लिए अपने पास बुलाने के लिए आपको पवित्र करने के लिए जो देता है उसको शिष्याभिषेक दीक्षा कह गया। तो शिष्याभिषेक दीक्षा में गुरु तुम्हें क्या क्या करता है एक पांच श्लोक में तुम्हें समझा देता हूँ। पहला है सुरास्ताम अभिषेक ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा वासुदेव जगन्नाथ तथा संदर्शन, आपका ब्रह्मा विष्णु महेश्वर आदि समस्त देवता अभिषेचन करें अभिषेक करें, वासुदेव जगन्नाथ संकर्षण भगवान विभु आपको अभिषेक करें और अच्छा मन आपको प्रदान करें। प्रत्युग्ना च अनिरुद्धश्च भवन्तु वियायते अखंडलो अग्नि भगवान यमो वै निर्दिष्टता, आपको प्रत्युग्न जो कृष्ण के बेटे अनिरुद्ध उनके होते हमारे विजय के लिए तथा अखंड अग्नि भगवान विष्णु यम और निवृत्ति सभी अपनी सदैव रक्षा करें, इसलिए मैं तुम्हारा अभिषेक कर रहा हूँ। वर्ण पौनश्चैव धनाध्यक्ष तथा शिव ब्राह्मण सहिता सभी दिग्पाला प्राप्त के सदा, वरुण यानी जो ऊपर से वर्षा होती है या अपने गंगा जल आदि तीर्थ है इन सभी को वर्ण ही कहा गया। पर अच्छा था अच्छा सी अच्छी सी हवा धनाध्यक्ष कुबेर धन तथा शिव समस्त ऋषियों के सहित दिग्पाल आदि जीवों के हमें दिशाओं के पालन करने वाले आपकी सदैव रक्षा होता था प्रत्येक इस अभिषेक को करवा रहा हूँ, तुम्हारी ये सब रक्षा करें, ऐसा मैं उन देवताओं से प्रार्थना कर रहा हूँ आपको अभिषेक करते हुए।
కీర్తి లక్ష్మీ హృదయ మీద పుష్టి శ్రద్ధ క్రియావతి బుద్ధి గత ఉపశాంతి కాంతి సృష్టి మాత్ర కీర్తి లక్ష్మీ హృదయ మీద పుష్టి శ్రద్ధ క్రియావతి బుద్ధి లజ్జా ఉపశాంతి కాంతి సృష్టి మాత్ర కాయ సభి అప్పి సదై రక్షా కరే ఈ సబ్ అప్పి మాతాయే హమారీ కీర్తి హమారీ లక్ష్మీ దుర్గి కా మతలబ్ హోతా హై ఇస్మే అప్ని అప్ని కర్మ మేధా బుద్ధి పుష్టి అప్ని శక్తి శ్రద్ధ అప్ని భావనా క్రియా అప్నా కామ మతి और लज्जा तुम्हारे में जिस काम के करने के कारण लज्जा नहीं है हम सभी के सामने नंगा तो नहीं होते सभी के सामने कोई ऐसे कार्य नहीं करते जिससे लज्जा प्राप्त हो इसके लिए बहु इसके मतलब ये इस संसार का जो भी क्रिया जिस वायु से हमें प्राप्ति होती है और शांति कांति तुष्टि ये सारी मातृकाएँ हैं माताएँ हैं और यही हमें बात है इन सभी का मैं इस अभिषेक से तुम्हारी रक्षा करने के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ सभी ग्रह तृप्त होकर राहु केतु के सही आपका अभिषेक स्वीकार करें देव नाम एकंदरेश राष्ट्र का समस्त सर्प सभी अपनी सदैव रक्षा करें ऋषियों मुनियों गावों देव मात्रा एवं च देव पत्नियों ब्रह्मा नागा दैत्य शास्त्रास ना समस्त ऋषि मुनि गायें समस्त देवताएं समस्त देव पत्नियां वृक्ष समस्त नाग दैत्य अप्सराएं सभी अपनी सदैव रक्षा करें मैं इस अभिषेक की रक्षा की प्रार्थना करता हूँ अस्थानी सर्व शस्त्राणि राधान वाहनानि च औषधानि रत्नानि कालस्य अवयवशे समस्त अस्त्र समस्त शस्त्र समस्त राजा समस्त वाहन समस्त औषधियां समस्त रत्न समस्त काल के अवयवानि सभी अपनी सदैव रक्षा करें सरितस सागर शैलास तीर्थान जलना लाभ पाप्य अभिषेक चित्त धर्म कामार्थ थे आपको धर्म कर्म के करने के लिए जो शक्ति चाहिए अच्छे धर्म के प्राप्त करने के लिए वो सभी शक्ति प्राप्त करने के लिए मैं समस्त सरिताएं समस्त नदियाँ समस्त समुद्र समस्त पर्वत मेघादी नदी नद इनकी सबकी कामना करता हूँ आपकी रक्षा करते हैं आपको धर्म कार्य में चलाने के लिए आपको कर्म करने के लिए शक्ति प्रदान करें इस प्रकार मैं इस अभिषेक का अर्थ आपको बता रहा हूँ आज आपको यह अभिषेक करवाते हुए उनकी रक्षा की प्रार्थना करते हुए आपको शिष्य के रूप में मैं एक सक्षम व्यक्ति बना रहा हूँ अब इसका शिष्य बने की क्रिया क्या आप तो मैं सक्षम बनाया आपको सक्षम बनाने के बाद में अभिषेक करने का मतलब पानी डालना बीज होने से काम नहीं चलता उसके बाद सिंचन करना होता है पानी भी डालना होता है ये पानी डालने की क्रिया होने के बाद क्या होता है जब वृक्ष बढ़ता है तो वृक्ष बढ़ने के बाद फल फूलों से लगता है लेकिन वो फल फूल अगर उसको कीड़े लग जाए तो उसका वृक्ष का बढ़ना कोई मतलब नहीं लगता उसी प्रकार आप शिष्य बनकर आ गया है तो आपके हाथों से लोक कल्याण हो और वो लोक कल्याण होने के लिए आप में किसी प्रकार की क्रिया का प्रभाव ना हो और आपकी स्थिति अच्छी हो आपका शरीर रोगग्रस्त ना हो रोगों से पीड़ित ना हो और आप अमर भी अच्छी तरह हो इसके लिए जो क्रिया की जाती है उस क्रिया के लिए भी साधना करना जरूरी है मैं इस बार तुम्हें ऐसी क्रिया करवा रहा हूँ जिसके कारण आपके घर में कभी बीमारी नहीं आए और आपको दरिद्रता का अनुभव ना हो धनधान्य संपत्ति के साथ लक्ष्मी आपके घर में रहे इसके लिए जो क्रिया मैं करना चाहता हूँ वो क्रिया अभी आपको समझा रहा हूँ आप सब लोगों को एक वट का पत्ता और हल्दी ले लेकर हल्दी से उस वट के पत्ते पर स्वस्तिक निकालकर एक विशिष्य कंकण जिसको धारण करने मात्र से किस प्रकार की बीमारियां और किसी प्रकार का अव्यवस्था वो कंकण आपका रक्षा का काम करेगा और मोतियों के माना से मंत्र जप करना है उस मंत्र जप को उस मंत्र जप को करना है गुरु विशेष स्वस्तिक निकालने के बाद हम कम से कम ओ ऐं क्लीं बृहस्पते नमः इस मंत्र को एक माला पहले मंत्र कर लें और उस पत्ते को सिद्ध कर लें उस पत्ते को सिद्ध करने के बाद हम इस नववर्ष को हमारे पूर्ण नववर्ष के साथ हमारे पांच माला जो मोती की माला से करें ओम ह्रीं ऐं श्रीं पूर्ण नववर्ष धनान्य समृद्धि पूर्णत्व देहि नमः इस मंत्र को पांच माला करना है जिसके कारण आप आपके जीवन में पूर्णता प्राप्त करेंगे उसके बाद में एक दैविक स्तुति पढ़ूंगा जो ब्रह्मा ने वशिष्ठ महर्षि के लिए पढ़ी थी और कहा था कि तू आज से शिष्य हो और तुझे आज से जो भी साधना इस वर्ष करेगा तुझे उसकी सिद्धि प्राप्त होगी मैं आपको 5 मिनट का समय देता हूँ आप वट का पत्ता और कंकर लेकर आप यहाँ आ जाए
आपके घर में आपके लिए नहीं, आपके पास जितने भी लोग आपके घर में रहने वाले और आपके आसपास के लोगों के लिए भी आप इस संक्रमण को ले जाते हैं, तो मैं इसका विश्वास दिलाता हूं कि आपके घर में किसी प्रकार का वायरस और रोग नहीं आएगा। ये भी आप 5 मिनट में वो पत्ता हल्दी लेकर आ जाएंगे, आप दे जाएंगे और एक चंदन है उनकी की माला लेकर आ जाएंगे। मैं अभी आपको इस मंत्र को आपके साथ करवाता हूँ 5 मिनट।